हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो आज फिर से एक बार मैं लेकर के आ गई हूँ एक नया व्लॉग वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और सबसे ज़रूरी बात कि सुरक्षित भी होंगे। तो आज फिर से एक बार मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूब पे इस वक्त चल रही सबसे फेमस कपल फाइट सायरा सत्तानी एंड अयूब शेख के बारे में। एंड जो फेमस ग्रुप है आजकल, जो इन दोनों की लड़ाई का आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है, दी गोल्डन ग्रुप, उसके बारे में। तो आप सभी लोगों ने मेरा पहला जो वीडियो है वो देखा होगा, जो मैंने इनसे रिलेटेड मेरा पहला वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगी कि उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल पाऊँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के थंबनेल पर भी डाला, कि ये शादी, लाइक एक मैच्योर एज में आकर के शादी, फिर उस शादी का, उस प्यार का सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शो किया जाना, फिर वो 15 लाख की कहानी। आई डोंट नो कि क्या कंट्रोवर्सी है वो 15 लाख की, बट वो सब, फिर ग्रुप्स का आ जाना, फिर ग्रुप से अलग हो जाना, फिर एक दूसरे को ब्लेम किया जाना, और मतलब उस लैंग्वेज का यूज़ किया जाना जो कि आपको सुनते हुए भी शर्म आएगी, बीइंग अ लेडी। और वो लेडीज़ ही हैं मोस्टली जो कि इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं और दूसरी लेडी के लिए ही यूज़ कर रही हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, फिर शादी के बाद में मंगलसूत्र का लिया जाना और उसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा खासा व्लॉग जो है वो बना के डाला जाना, फिर आपस की जो भी खटपट है 15 दिसंबर की, जो भी क्या कह सकते हो आप रहस्यमय कहानी है वो, फिर उसके बाद में आप एक और वीडियो बना करके डालते हैं कि आपका जो मंगलसूत्र है आपने वापस कर दिया है, और उसके बाद में आपके बच्चों के साथ आपकी ट्रिप, जो आप कहते हो कि आप अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए कर रहे हो, उधर आपके हस्बैंड का नया चैनल बना लेना, और उस चैनल के थ्रू आप दोनों का एक दूसरे पर पलटवार करना, है ना, यही कह सकती हूँ मैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो भी मैं ओपिनियन रखने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल, तो सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर जो भी मैं ओपिनियन रखने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर किसी को भी मेरी बातों से हर्ट होता है या उनको बुरा लगता है तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही वियर्ड लग रही हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरी, कि मैंने ये सारी चीज़ें कब देखनी स्टार्ट की, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि स्टार्टिंग में मैंने सायरा सत्तानी जी के जो वीडियोस देखे वो देखे जब ये 15 लाख वाली जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हुई, जब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी लेकिन गोल्डन ग्रुप की जो भी बाकी की मेंबर्स हैं उन सभी ने इनके अगेंस्ट में वीडियोस बनाने शुरू किए, इन्होंने भी उनको जवाब देने के लिए कुछ वीडियोस बनाए, फिर इनका जो शादी है उसको काफ़ी हाईलाइट किया इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर को काफ़ी जो है वो हाईलाइट किया, एंड देन सडन फिर उनके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका गायब हो जाना। बट स्टिल मतलब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि 15 दिसंबर की ये बात करती हैं कि 15 दिसंबर को बहुत कुछ हुआ, जबकि वो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि मतलब मिस्ट्री बना रखी है दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने, कोई भी क्लियरली उस पर बात नहीं कर रहा है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। बट अगर इतना कुछ किसी की लाइफ में होता है, जैसा इन्होंने अपने वीडियो में क्लेम किया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अगर कोई इतना मतलब कह सकते हो कि डीपली चला जाता है इन चीज़ों में, उसके बाद में इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन के वीडियो डाला है, इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भी वीडियो डाला है,
तो मतलब समझ नहीं आया कि हस्बैंड से बिछड़ने का या जो भी चीज़ें हुई उनका दुख ज़्यादा था या फिर सॉरी न्यू ईयर की पार्टी करने का जो उत्साह है वो ज़्यादा था। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ लगी। उसके बाद में इन्होंने एक व्लॉग डाला जिसमें इन्होंने दिखाया था कि मतलब इनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के कुछ टाइम बाद का ही है आई थिंक वो व्लॉग, कि इन्होंने एक काफ़ी बड़ा सा हैवी सा मंगलसूत्र खरीदा। और उसके बाद जब इनकी इनके हस्बैंड के साथ में जो भी अभी चल रही है फाइट या डिस्प्यूट जो भी है, उसके बाद में इन्होंने अभी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू ये अपडेट किया कि वो जो मंगलसूत्र है वो इन्होंने वापस कर दिया। तो मतलब शादी की रिलेशन था तो मंगलसूत्र खरीद लिया, कुछ भी बात हो गई आपस में तो आपने मंगलसूत्र उठा करके वापस कर दिया। और अगर इतनी ही बड़ी बात थी कि मतलब एक लेडी ये जो स्टेप है वो बहुत ही मतलब आप खुद सोच सकते हो बींग अ मैरिड वेमेन, आप अगर सोचो कि इतना बड़ा स्टेप कोई लेडी बहुत इजीली नहीं लेती। और अगर इतनी बड़ी बात थी तो 15 से 25 दिसंबर सिर्फ 10 दिन का फ़र्क है, 10 दिन में इतनी बड़ी बात होने के बाद कोई भी नॉर्मली ना मतलब आप कोई भी इतना मतलब फन इंजॉयमेंट पार्टी वो सब नहीं कर सकता, नॉर्मल नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी बहुत खटक रही हैं। सो सिर्फ ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि कुछ सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके, लोगों को बांधा जा सके, लोगों को इन द सेंस कि व्यूअर्स को बांधा जा सके, उनका जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींचा जा सके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं और उसका जो फ़ायदा है वो सबको ही मिल रहा है। इवन कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 15 लाख वाली जो भी इन लोगों की कहानी है वो भी पता नहीं सच है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब से इन लोगों की फ़ाइट हुई है या जब से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं उसका फ़ायदा सबको ही मिल रहा है, वो चाहे गोल्डन ग्रुप हो चाहे वो गोल्डन ग्रुप के मेंबर्स के अपने, क्योंकि सभी के अपने अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं उनके, है ना। तो चाहे वो उन लोगों के यूट्यूब चैनल्स हो चाहे वो इनके खुद के हस्बैंड का यूट्यूब चैनल हो, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि विद इन 15 डेज उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी तो हो सकता है और ज़्यादा भी जो है क्रॉस कर गए होंगे, मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया बट 11K वो क्रॉस कर चुके थे, 11K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके थे विद इन 10 डेज। तो फ़ायदा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये बहुत ही एक गलत मैसेज जो है वो जा रहा है सोसाइटी को। और मुझे तो यही समझ में आया, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं वो मेरी इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कोई सेंस मतलब निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बस एक यही चीज़ जो है वो समझ में आ रही है कि ठीक है, व्यूज़ के लिए पहले आपने गोल्डन ग्रुप को ज्वाइन किया, उसके बाद में फिर गोल्डन ग्रुप को छोड़ा तो वो भी आपने उससे भी आपको काफ़ी सारे व्यूज़ मिले, देन फिर वो 15 लाख वाली जो कहानी आ गई तो उसके बाद ना सिर्फ सायरा सत्तानी जी को बल्कि गोल्डन ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स के चैनल्स को भी काफ़ी जो है वो व्यूज़ मिलने स्टार्ट हो गए। मैंने भी फर्स्ट टाइम जो इनका वीडियो देखा था तो मैंने जो गोल्डन ग्रुप के मेंबर हैं एक दो जिन्होंने बहुत ही गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इनके अगेंस्ट में वीडियोस बनाए थे तो मैंने वो देखा, तो मुझे मतलब होता है यार ह्यूमन नेचर है ना, तो मुझे थोड़ा वो क्यूरियोसिटी हुई कि यार मतलब ऐसा क्या है, क्या इन लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब कोई नॉर्मली इतनी गंदी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकता है ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, वो भी एक लेडी यूज़ कर रही है दूसरी लेडी के लिए। तब मैंने पहली बार इनके वीडियोस जो हैं वो देखे थे एक दो, उसके बाद में फिर मतलब उन जो गोल्डन ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने इनकी शादी का कि इस एज में आकर शादी और इतना प्यार का दिखावा उस चीज़ का भी काफ़ी इशू बनाया गया, एंड वो सच में थोड़ा सा अजीब भी लगता था। और अब फिर आपने अपने मतलब क्या कहेंगे यार, अब तो बहुत अजीब सा ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एक तरफ दिखाती हैं कि भाई मैंने तो फिर से सजना संवरना शुरू कर दिया है, मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं, बच्चों को गिफ्ट कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो उनको सरप्राइजिंगली ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। इधर इनके जो हस्बैंड हैं
वो दिखा रहे हैं कि भाई ठीक है तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बट उनका एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने डाला है जिसमें कि वो मतलब काफ़ी सारी जो आप पैसे तो नहीं कहूँगी, काफ़ी सारी जो गड्डियां हैं नोटों की वो लेकर के बैठे हुए हैं, और जो इनडायरेक्टली वो दिखाना चाह रहे हैं, वो सायरा सत्तानी को दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब जैसा उन्होंने सायरा सत्तानी ने अपने वीडियो में बोला था कि मैंने 3 साल तक इस इंसान को पाला है, हालांकि वो चीज़ भी गलत थी। पालना मतलब क्या है ना, पाला तो मतलब हम जब किसी पेट को रखते हैं ना तब हम ये यूज़ करते हैं कि हाँ हमने किसी को पाला हुआ है, तो वो वर्ड भी बड़ा गलत था, बट ठीक है मतलब सबका अपना अपना जो है ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग होता है, बट जो चीज़ें अजीब लग रही थी बस वही चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैंने वो जो फर्स्ट वीडियो डाला ना उसके बाद मैंने काफ़ी और भी इनके जो वीडियोस हैं वो देखे, तो मुझे तो बस यही समझ में आ रहा है कि यार ये मतलब वही टीनेजर्स वाला हिसाब किताब जो है वो चल रहा है कि मैं लाइफ में आगे मतलब ये टीनेजर्स ही करते हैं ये चीज़ें कि मैं तो लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ, और मतलब वो बोलता है कि मैं तेरे से मतलब तूने मुझे बोला मैं गरीब था, मैं भिखारी था, तूने मुझे पाला है या जो भी है, अब मैं तेरे से ज़्यादा पैसे वाला हूँ, तो ऐसे मैच्योर पर्सन्स तो मैंने नहीं करते हुए देखे हैं। तो एक अजीब सा कोइंसिडेंस आप कह सकते हो कि ये जो 15 नंबर है, नंबर 15, ये इनकी लाइफ की एक अजीब सी मतलब क्या कहोगे अब कंट्रोवर्सी बन चुका है। एक तरफ 15 लाख, एक तरफ 15 दिसंबर, और दोनों की ही जो कहानी है वो सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है इस टाइम पर हम सभी व्यूअर्स के लिए यूट्यूब पर। तो देखते हैं आगे और क्या होता है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये सारा जो खेल है मतलब शुरू से लेकर के और अब तक का ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अगर व्यूज़ के लिए हो रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।